हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों की क्लास एट्थ है, न्यू अभी आए हो क्लास एट्थ में आप लोग, और आप लोगों के लिए जो अभी हमने चैप्टर चालू किया है, चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, हल्का हल्का समझ में भी आया होगा। चलो उसको डिटेल से भी अभी हम समझेंगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर बढ़ेगा। बच्चों, आप लोगों को एक तो सबसे पहले हर वीडियो लेक्चर देखना है, बुक आपको लेके आनी है। सबसे पहले बुक कौन सी लानी है मैं आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट बुक ऐसी आपकी आएगी क्लास एट्थ की, वो लेके आनी है। क्लास एट्थ की गवर्नमेंट बुक लेके आनी है आप लोगों को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, पेज नंबर आगे पीछे ना हो जाए। आप लोग कोई और पब्लिकेशन की बुक ले आओ, गवर्नमेंट बुक लेके आनी है आपको क्लास एट्थ सब्जेक्ट साइंस की। ओके, उसके अलावा जब भी आप पढ़ते हो तो हाथ में पेंसिल जरूर लिखें, कोई भी वर्ड मीनिंग्स हो, कोई भी टॉपिक्स हो तो आप उसको हैंड टू हैंड राइट कर लें। और स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक भी क्या करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो आपके फ्रेंड सर्किल में बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं उनको भी जोड़ें। ठीक है, आप लोगों को जैसे कि इन्फॉर्म है, हमारा यूट्यूब चैनल जो है कुमार प्रवीण झा, यह यूट्यूब चैनल है। आप जब भी किसी भी फ़ोन में, आप जब भी आप कहीं, आपके पास बुक वगैरह अवेलेबल नहीं हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को खोलिए, किसी भी फ़ोन में कहीं पर भी जरूर नहीं है। सर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ रहे हैं तो हम वो ग्रुप दूसरे नंबर पर ऐड नहीं है। आप कोई सा भी मोबाइल में यूट्यूब चैनल खोलिएगा, आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स क्लास एट्थ की भी वीडियो डली हुई है, आप वो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना हुआ है हर चैप्टर का, आप मैथ का और साइंस का, उसका दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिटेल सॉल्यूशन, तो आप लोग उसको देख सकते हो। ओके बच्चों, अब आते हैं हम आपके, आपका अभी क्या चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर में कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हमने जाना था, और एक्सुटेबल, इन एक्सुटेबल रिसोर्सेज के बारे में जाना था। एक्सुटेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे पास अनलिमिटेड हैं, और इन एक्सुटेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे पास लिमिटेड हैं। ओके, ठीक है, समझ गए ना, लिमिटेड मीन्स पेट्रोल डीजल, ये हमारे पास लिमिटेड है, एक्सुटेबल जो अनलिमिटेड है। और इसी के क्रम में आज आप लोग पेज नंबर 57 पर आइए, और 57 में एज्यूम डैट, एक एक्टिविटी दी गई है तो ये इतना इशू नहीं है, हमें नीचे से आते हैं। एज्यूम डैट इटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल एबिलिटी ऑफ एन एक्सुटेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, सॉरी एक्सुटेबल जो लिमिटेड होते हैं और इन एक्सुटेबल जो अनलिमिटेड होते हैं, उल्टा बोल दिया हमने। तो एज्यूम डैट इटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द कोल द टोटल एबिलिटी ऑन एक्सुटेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ईच ग्रुप मे हैव डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। इट मे बी डैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वी आर कॉन्क्रंट अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग और देम। देखिए क्या हो रहा है, जो एक्सुटेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जो सीमित साधन है हमारे पास, हम लोग उनका उपयोग कर रहे हैं, चलो पेट्रोल का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, डीजल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी हमारे पास लिमिटेड है। अभी आप समझोगे क्यों लिमिटेड है, क्या हम दोबारा नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते उसको हम दोबारा, एक बार यदि वो ख़त्म हो जाते हैं तो परमानेंट वो हमारे पास से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को कतई दिमाग से उतार दीजिएगा कि हम उसको दोबारा बना सकते हैं। तो अब इंसान इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने लग गया है, इनकी क्वांटिटी घटती जा रही दिनों दिन, तो आने वाले समय में आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, अगर हमारे पास पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाए तो हमारा सिस्टम, हमारी आजीविका बंद हो जाएगी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एक्सुटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में कुछ हम एक्सुटेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, लाइक कोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, और नेचुरल गैसों के बारे में पढ़ेंगे। दीज वेयर फॉर्म from the dead remains living organisms fossil, so these are known fossil fuels, underline karega, these are formed dead remains living organism, जो जीवाश्म, मृत जीवों के अवशेष से, मृत जीवों के अवशेष से जो ईंधन बनते हैं उसे हम fossil fuels, fossil fuels means जीवाश्म ईंधन, जो मृत पशु, मृत जानवरों से बनते हैं ईंधन, उसे आप जीवाश्म ईंधन हम लोग कहते हैं। ठीक है, आइए इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं कोल। कोल के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, कोयला खूब सुन रखा है, खूब यूज भी किया होगा, देखा भी होगा। ठीक है, कोल होते क्या है समझते हैं। यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इन फिगर 5.1, इट इज हार्ड एज ए स्टोन, इट्स ब्लैक इन कलर। आपने कोयला देखा होगा, पत्थर की तरह होता है, मालगाड़ियों में देखा होगा, रेलवे ट्रैक से जाते रहते हैं, काले कलर के होते हैं। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू
कुक फूड, कोल का उपयोग मुख्यतः खाना बनाने में किया जाता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। प्रारंभिक टाइम में, शुरुआत में कोयले का उपयोग रेलवे इंजन्स में किया जाता था पानी को गर्म करने में। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स इन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अंडरलाइन करेगा, इसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। कोल इज ऑल्सो यूज इन फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोयले का उपयोग अलग अलग इंडस्ट्रियों में भी किया जाता है। समझ गए? तो ये कोयले के यूजेज हुए। आगे कोल की हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्टोरी ऑफ कोल, कि कोल कहाँ से आया, सर कोयला कैसे बना, आइए जानते हैं। अबाउट 300 मिलियंस या लगभग 300 लाख वर्ष पूर्व एगो द अर्थ एंड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरिया। हमारे पृथ्वी पर कई जंगली एरिया थे, आज तो हमने जंगलों को काट दिया है, कई दलदली क्षेत्र थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सोइल एस मोर सोइल डिपोजिट ओवर देन। अचानक क्या हुआ, वो सब जंगल जब मिट्टी के नीचे दब गए और दबते गए लेयर के ऊपर लेयर छाती गई, ठीक है, और डिपोजिट ओवर देम दे वेयर कंप्रेस, जिससे उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सेंक डीपर एंड डीपर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। धीरे धीरे उनके ऊपर, देखो क्या हुआ, नीचे दब गए। अब जैसे मान लो कोयले ये दब गए यहाँ पर, इसके ऊपर लेयर छाती गई, लेयर परत जमती गई और नीचे कोयला दब गया। प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण ये जो पेड़ पौधे थे ये कोयले में कन्वर्ट हो गए। ओके बच्चों, नेक्स्ट। एस कोल कंटेंस मेनली कार्बन द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कोयला जो होता है ना, मेनली उसमें कार्बन मिला हुआ रहता है। क्या रहता है उसमें? कार्बन मिला हुआ रहता है। तो एक स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमे धीमे बनता ही है। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो कोयला भी क्या कहलाता है आपका? फॉसिल फ्यूल कहलाता है। इसमें क्या होता है? कार्बन होता है। ओके, लाखों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में, क्योंकि स्लो प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। ओके, एक कोल माइनाइजेशन फिगर 15.2, आप 15.2 में देख सकते हो कोल का माइनाइजेशन दिया गया है। कोल कैसे खुदाई होती है खानों में, खुदाई वगैरह। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोयले को हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है। कोयला इज प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स एस कोक कोल एंड कोल तार। कोयले से कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट भी हमें ऑब्टेंट होते हैं। अंडरलाइन करिएगा, कौन कौन से? कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ओके बच्चों, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो लेक्चर को देखिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखें, ताकि हम लोगों को पता चल सके कौन सा बच्चा वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा है। ओके बच्चों, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।